मैंने मेरे पास में कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास में कोई माइक नहीं है, मैं एक सिंपल सा एक इतना अच्छा लगा मम्मी देख के इमोशनल हो गई उसको, मतलब मम्मी रो पड़ी। सिर्फ वो लोग बोलते गए और हम लोग सुनते गए कि जब हम बहुजन मीडिया कहते हैं और हम पॉलिटिक्स की अगर खबरें दिखा रहे तो फिर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन कर दिया मैंने, बोला कि आपने जो गेस्ट बुलाया वो सही नहीं है। मेरा बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2021, अपने जिंदगी की अभी तक के मैंने ऐसी जूम मीटिंग अटेंड नहीं की जो कि 5 बजे से लेकर तो रात के 1 बजे तक के चली। 8 घंटे की जूम मीटिंग थी, बहुत सारी चीजें वहां से सीखने को मिली, एक एक्साइटमेंट था कि काफी सारी चीजें वहां से हमको सीखने को मिलेगी और वही चीज हुआ। रात में मैं ताई के यहाँ पर रुका हुआ था तो उनके पास में ब्रॉडबैंड लगा हुआ तो नेट का कोई इश्यू वैसे आया नहीं, और फिर रात में रुकने के बाद मैं अभी सुबह मैं घर पहुंचा हूँ और दूध की चुस्की जैसे कि आपको पता है मिल लेते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं बताऊंगा कि कौन कौन चीजें वो सीखी है जहां से 8 घंटे के अंदर हमको बहुत सारा नॉलेज मिला है, क्या क्या चीजें हुआ है और मुझे भी अपना एक बात रखने का वहां पर मौका मिला, काफी सारी चीजें आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि हम अपने व्लॉग की शुरुआत करते हैं धमाकेदार इंट्रो के साथ में, तो चलिए आज के इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशनरी पराग। चलिए शुरू करते हैं। कल मोहित का बर्थडे था और जो मैं बहुजन यूट्यूबर्स मीट है उसके कारण अटेंड नहीं कर पाया, तो अपन सीक्रेटली अभी उसको बर्थडे विश करने वाले, देखते हैं उसके क्या रिएक्शंस होते हैं। तो चलिए फॉलो मी क्योंकि सास भी कभी बहू थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोहित। आज हमारे अनमोल रतन का बर्थडे था कल, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया तो इसको आज बिलेटेड में विश कर रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। तो मैं कल बर्थडे अटेंड नहीं कर पाया है ना, लेकिन बर्थडे में क्या क्या इसके हमने बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, कल हमने कुछ वीडियोस लिए इसके बर्थडे के, तो वो आपको दिखाता हूँ देखो। तो बर्थडे में केक कट किए थे कल? हाँ। अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने तो गिफ्ट भी दिए होंगे है ना, कौन कौन से गिफ्ट मिले? हेलीकॉप्टर मिला था। हेलीकॉप्टर मिला था वो, तो ये हेलीकॉप्टर मिला है ठीक है। तो अभी ये चार्जिंग पर लगा हुआ दिख रहा है तो इसको अपन उड़ाएंगे अभी शाम को। तो जो सब्सक्राइबर्स है इनको भी दिखाते हैं कि हमारा हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। तो अभी रेडी हो चुका हूँ और ताई के इधर मुझे जाना है, कुछ डिस्कशन करना है आने वाले कुछ कंटेंट्स के ऊपर में और कुछ इंपॉर्टेंट काम भी है। तो बहुजन यूट्यूबर्स मीटिंग में काफी सारी जो चीजें हुई, बहुत सारे स्पीकर्स वहां पर अपनी बात रखने के लिए आए थे, किस तरीके से कॉन्सेप्ट था मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। द न्यूज बीक, तथागत लाइव और ऐसे काफी सारे जो चैनल्स थे जिनके सुमित जैसे कि सुमित चौहान, उसके बाद में अंजुल बमरोलिया और तमाम तरीके के हमारे जो बहुजन यूट्यूबर्स थे उन्होंने हमारे इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था और बहुत सारे जो स्पीकर्स थे उन्होंने भी अपने इंपॉर्टेंट बातें वहां पर हमको बताई। और उन सभी बातों के अंदर में काफी सारी चीजें समझ में आई कि कौन कौन सी गलतियां अभी तक हम करते आ रहे हैं और उसमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स लाना है, वो सारी चीजें भी इस मीटिंग में समझ में आई। और फाइनली अपनी बात को रखने का मौका मुझे भी मिला। 5 बजे की मीटिंग शुरू हुई थी, तकरीबन 12 बजे मुझे अपना चांस मिला है। ओपन माइक का एक सेशन रखा गया था और वहां पर मैंने अपनी बात रखी किस तरीके से मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो ये मैं आपको बताना नहीं तो आपको दिखाना चाहता हूँ, तो देखिए। मिशनरी पराग ब्रदर, थैंक्स फॉर द पेशेंस, यू आर स्टिल देयर। I'm so happy to see you. Please introduce yourself. Thank you, sir. मेरी आवाज आ रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही। जी सभी को जय भीम। पिछले 5 बजे से कंटिन्यू हम लोग बैठे हैं यहाँ पर और अपने बारी का वेट कर, लास्ट 1 घंटे से मैं अपना हैंड रेस्ट करूँ, अभी मौका मिला है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी
सभी को मौका देना भी जरूरी है। तो मैं एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिशनरी पराग और लास्ट 10 मंथ से मैं अपना चैनल चला रहा हूँ। तो एक्चुअली मैं जब व्लॉगिंग के बारे में जब मुझे पता चला कि क्या होता है, तो एक्चुअली उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि व्लॉगिंग क्या होता है। फिर हमारे जो द थिंग जो चैनल है तो उनके जो चीफ एडिटर है संदीप आनंद, उन्होंने मुझे बताया कि आप व्लॉगिंग कर सकते हो, क्योंकि पिछले मैं लास्ट 5 ईयर से बाबा साहब के मिशन का काम कर रहा हूँ। कैडर कैंप्स हमारे एरिया में होते हैं प्रॉपर, मैं विदर्भ गोंदिया से गोंदिया भंडारा से हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चीज हम डेली रूटीन में जो मिशन का काम करते हैं वो एक पर्टिकुलर तमाम हमारे लोग बहुजन समाज तक के पहुंचे, जो कि वो देखना चाहते हैं या फिर उनको पता नहीं होती कि एक मिशनरी व्यक्ति काम करते समय उसको कितने साधन संसाधन की कमी होती है या फिर उनको कौन कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शायद फिर वो मानववादी पार्टियों से लेकर हो या फिर ऐसे असामाजिक तत्व जिसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो वो चीजें भी उनको शेयर हो। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को देखते हुए ऐसा मुझे लगा कि शायद मैं भी एक व्लॉगिंग चैनल ओपन कर सकता हूँ। उसके बाद में फिर मैंने अंजुल भैया को देखा, उसके बाद तथागत लाइव्स को मैंने काफी सारे उनके वीडियोस देखे, फिर उसको उसके बाद में बाकी व्लॉगिंग चैनल्स मैंने देखा। तो उसके बाद में मुझे समझ में आया कि मैंने क्या बताना चाहिए, क्योंकि बाकी व्लॉगिंग चैनल्स में मुझे दिखा कि वो अपना एक स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं, आप वो 5-स्टार होटल्स दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखा रहे हैं, अपने एक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं जहां पर वो काफी सारे कार के अंदर में है, यानी एक बहुत अच्छा स्टेटस वो दिखा रहे हैं जहां पर उसको लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने जब ये व्लॉगिंग के बारे में सोचा तो मैंने ये सोचा कि मैं जो एक मेरा रियलिटी है, मैं अगर अपने व्लॉग में भी कहता हूँ कि मैं जो व्लॉग करता हूँ मेरी सच्चाई होती है, जो मैं जैसा हूँ जिस तरीके से जिस कंडीशन में हूँ वो चीज मैं दिखाता हूँ, कि मुझे अगर खुशी भी है तो मैं वो भी चीज दिखाऊंगा, या फिर अगर मैं कोई प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ या फिर मेंटली मुझे कोई प्रेशर हो रहा है या फिर मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी चीज मैं अपने व्लॉग में शेयर करता हूँ, जिससे जो ट्रांसपेरेंसी मेरे और जो हमारे व्यूअर्स है, जो मेरा जिनको अपनी फैमिली कहता हूँ उनके साथ में रहे। तो इस तरीके से फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग शुरू की और व्लॉगिंग शुरू करते करते काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। अभी तक मैंने मेरे पास में कोई कैमरा नहीं है, मेरे पास में कोई माइक नहीं है, मैं एक सिंपल सा एक 100-150 रुपीस का जो सेल्फी स्टिक आता है उससे मैं अपना व्लॉगिंग करता हूँ और उसके बाद में उसी तरीके से खुद एडिटिंग करता हूँ और उसको फिर अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। धीरे धीरे थंबनेल बनाना ये सारी चीजें सीखा और फिर आज कुछ 10 महीने मेरे व्लॉगिंग चैनल को हो चुके हैं। और मुझे लास्ट ईयर जब मैंने ये मीट देखा था तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मुझे यहाँ पर एंट्री मिलेगी इस बार, लेकिन फिर मैंने जब ईमेल किया और फिर जब मुझे ईमेल आया कि आप भी इस मीट को ज्वाइन कर सकते, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद में फिर मैंने जो हमारे चीफ एडिटर है द थिंग के संदीप आनंद जी, उन्होंने मुझे बताया कि आपको भी ईमेल आ गया है, तो फिर मैंने जब चेक किया तो फिर मुझे पता चला। और उसके बाद में फिर द शुद्रा की तरफ से ट्विटर पर जब एक पोस्टर पोस्ट किया गया तो उसके बाद में मैंने देखा कि मेरा भी वहां पर लोगो है। तो इसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये जो मीट रहा, मैंने अपने लाइफ में इतना देर तक के कभी ये जूम मीटिंग को कभी ज्वाइन नहीं किया है और इतना ज्यादा बैठने का पेशेंस भी नहीं है, लेकिन एक अभी हैबिट वो हो चुकी है कि एक कैडर कैंप में हम 6-6, 8-8 घंटा जब बैठते हैं तो उसका भी एक इसके कारण भी एक आदत हो चुकी है। तो यहाँ पर अपन बैठना पॉसिबल हो पाया है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको यहाँ पर ऐड किया और काफी सारी चीजें जो स्पीकर्स भी आए उनके तरफ से भी सीखने मिली। और इस तरीके से आज का मैं जो हमारा एक जूम मीटिंग रहा तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पराग। और संसाधन समय के साथ आ जाएंगे, आप भी अच्छे ऑफिस में बैठेंगे, अच्छा काम करेंगे, जी जी, क्वालिटी कंटेंट देते रहिए और अपना जो सर्व करना है मकसद उस पर आगे बढ़िए। बाकी चैलेंजेस आते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। संसाधन आज के दिन तकनीक इतनी आसान हो गई है कि आप 10,000 रुपए के मोबाइल से ही पूरा काम कर सकते हैं। जी, मैं अपना मोबाइल फोन से सारी चीजें करता हूँ। तो बहुत सारे लोग सिर्फ मोबाइल से ही काम करते हैं, उनको जरूरी नहीं है एप्पल का डेस्कटॉप मिलेगा और 2 लाख का कैमरा मिलेगा तो वो काम करेंगे। बहुत अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो शाबाश, बहुत बढ़िया।
और मैं तो बहुत खुश हूँ आप जैसे लोगों को देख के। तो जूम मीटिंग में जो अपनी मैंने बात रखा है यूट्यूबर्स मीट में, वो आपने सुनी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सुमित सर ने जो बात कही वो भी मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल उन्होंने सही बात कही है और वो मेरे फायदे की बात है, और वो सारी चीजें जो चेंजेस है वो चेंजेस मैं डेफिनेटली लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अभी घर में जो मेरे सिस्टर है और मेरे मम्मी है, उनका एक्सप्रेशन कैसे थे फर्स्ट टाइम वो वीडियो देखने के बाद, मैंने जब उनको दिखाया तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अभी पढ़ाई चल रही है मिताली, द न्यूज वीक पर जो मेरा वीडियो था जो मैंने जूम मीटिंग में अपनी बात रखी, तो उसके बाद में देखने के बाद में क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन थे हमारे व्यूवर्स को बताओ, क्योंकि मैं तो वो शूट नहीं कर पाया, कुछ इमोशनल हो गया था वहां पर तो वो चीज मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बताओ हमारे व्यूवर्स को क्या था। तो सभी को जय भीम, और जो दादा का जूम मीटिंग पर जो लाइव था वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, और फर्स्ट टाइम था उसका तो अच्छा लगा। और जो न्यूज वीक के सर थे उन्होंने जो उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि तुमको ऐसी कोई मतलब कठिनाइयां तो आएंगी आएंगी बिल्कुल, हाँ। और आपके पास साधन ना होने की वजह से भी आपको थोड़ा तकलीफ होगी, तकलीफ हाँ। तो होती है उसको ब्लॉक करने के लिए, वो मैं ही देखती हूँ कि उसको कितनी तकलीफ होती है करके, फिर भी वो कोशिश करते रहता है और अपना अपनी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। और मम्मी ने उसका जो फर्स्ट टाइम वो मीटिंग देखा, हम लोग लाइव उसका मीटिंग देख रहे थे, चल रहा था तब मम्मी ने देखा उसका, उसकी जब बारी आई तो बहुत मतलब इतना अच्छा लगा, मम्मी देख के इमोशनल हो गई उसको, मतलब मम्मी रो पड़ी। तो मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरा बेटा फर्स्ट टाइम इतने लोगों में बात कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों में बात कर रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगा वो सब देख के। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम पूरी फैमिली उसके साथ में है, ऐसा नहीं है कि वो अकेला है, हम उसके साथ में है, तो आप लोग भी अभी सपोर्ट कीजिए उसको और उसको आगे पहुंचाइए प्लीज। जय भीम। सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर प्लीज कीजिए, कमेंट में बताइए तो जूम मीटिंग कितना अच्छा रहा वो सब बताइएगा प्लीज, कमेंट में बताइए, हैशटैग जय भीम लिखिएगा कमेंट में, जरूर जरूर लिखिएगा। तो मोहित को ये बर्थडे गिफ्ट मिला था, हेलीकॉप्टर रिमोट है, मैंने कहा था कि हम शाम में इसको उड़ाएंगे तो अभी इसको उड़ा के देखते हैं, और डेफिनेटली इसको उड़ाने के बाद मजा आने वाला है, बचपन में ऐसा कुछ हम करते थे, है ना मोहित, उड़ाते चल। तो जैसे इसको उड़ाना शुरू किया तो अभी इधर उधर हवा चल रही है, कौन कौन से डायरेक्शन में ये जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी इधर में ऊपर में चला गया था फिर उधर पीछे साइड चला गया, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही इसको चलाने के लिए, लेकिन फाइनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी दिन बाद ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आया है, ठीक है। तो मज़ा आया ना तुम लोगों को, ठीक है, बर्थडे गिफ्ट मिला, लेकिन इसको अभी ज़्यादा अच्छे से रखने की कोशिश करना, क्योंकि अकेले में मोस्टली नहीं उड़ाना, नहीं क्योंकि कहाँ जाएगा तो दिखेगा नहीं। तो चलिए अभी ताई के इधर चलते हैं और बहुजन यूट्यूबर्स मीट को लेकर उनका क्या कहना है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या कहते हैं। और ऐसे में सहारनपुर के जिला पंचायत चुनाव के रिजल्ट को देखते हुए और सहारनपुर के जिला पंचायत बहुजन यूट्यूबर्स मीट को लेकर द थिंग क्या सोचता है ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे लोगों ने वहां पर अपनी बात रखी और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे थे कि उनको अपना अपना मौका मिले, 100 से ज्यादा लोग इस यूट्यूबर्स मीट में जुड़े थे, लेकिन तभी भी बहुत सारे लोगों को बोलने का मौका मिला नहीं मिला, समय काफी हो चुका था। तो अभी हम देखते हैं हमारे भाव क्या बताते हैं हमारे इस यूट्यूबर्स मीट के बारे में। बहुजन यूट्यूबर्स मीट जो सेकंड बहुजन यूट्यूबर्स मीट हुआ था उस बहुत अच्छा था, हमने भी पार्टिसिपेट किए वहाँ। एक चीज वहाँ मुझे देखने को मिली कि वहाँ जो स्पीकर थे, बहुत सारे स्पीकर उन्होंने बुलाए थे, हाँ हाँ, और वो बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, है ना, बिल्कुल। लेकिन मुद्दा ये है कि यूट्यूबर्स मीट है तो यूट्यूबर्स लोगों ने अपनी बातें समस्याएं वहां शेयर करना चाहिए था, लेकिन हाँ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हो रहा था, वो वही कारण है कि उतना समय लगा वहां और बहुत सारे यूट्यूबर्स नाखुश हुए वहाँ, है ना, उनको लगा कि हमारा नंबर ही नहीं है, नंबर नहीं, मेरा नंबर तो 12:30 के आसपास लगा है, तो इसीलिए ये एक समस्या थी, लेकिन ओवरऑल जो यूट्यूबर्स मीट था वो बहुत अच्छा था। मेरा विवादित हो गया था, अच्छा। मैंने तो सीधा क्वेश्चन कर दिया, मैंने बोला कि आपने जो गेस्ट बुलाया हाँ। वो सही नहीं है, मेरा यही बोलना था,
उसको लेकर मैंने ट्वीट भी किया था, तो ये मैंने उसको विवादित वाली जो बात देख रहे हैं इसके लिए वीडियो देख लो। हाँ, एक बीच में मैंने एक ट्वीट करके दशोदरा को काउंटर टारगेट मैंने किया था कि आपने जिन गेस्ट को बुलाया है उस गेस्ट उन गेस्ट को लेकर मैंने एक ट्वीट किया था, तो ये भी मेरा एक ऑब्जेक्शनल नहीं बोल सकते, लेकिन ये मेरी आइडियोलॉजी की क्लियरिटी है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि समाज में पैरेलल लीडरशिप कितनी खतरनाक होती है। हाँ, थोड़ा सा डिस्कशन मैंने वहाँ पे किया, मैंने बोल दिया था कि आप समाज को जो है वो लीडर पहचानने के लिए क्लियरिटी होना चाहिए, स्पेशली वो बात बोले थे लीडर को पहचानने के लिए हमने समाज को तैयार करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, उसके अंदर वो चीजें लाई या फिर नहीं हो रहा तो फिर आप डायरेक्ट बताओ कि ये आपका लीडर है। लेकिन आप कंफ्यूज कर रहे हो, कभी बोलते हो कि आपका ये लीडर है फिर आप किसी और को गेस्ट बना। अगर हम बहुजन मीडिया है और बहुजन मीडिया रहने के बाद भी अगर हम कंफ्यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, वो भी सेम ही है। देखो, बहुजन मीडिया से एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे मनुवादी मीडिया है। हाँ। तो मनुवादी मीडिया किसके इशारों पे काम करती है? जो जिसकी सरकार है, सरकार है। जब वो कांग्रेस की, तो मीडिया मनुवादी मीडिया जो है वो कांग्रेस के फेवर में थी, आज पूरी की पूरी कैसी है? बीजेपी के फेवर। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुजन मीडिया है तो बहुजन समाज पार्टी के फेवर में रहेगी, क्यों नहीं रहेगी? और राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा, हम उसे ये कह सकते वो हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उसी की बात करेंगे, उसी को अपना लीडर मानेंगे। और हम ये चाहेंगे कि समाज भी उनको ही लीडर माने, किसी और को क्यों माने? ऐसे तो बहुत आते जाते रहेंगे। बाबा साहब की लिटरेचर में भी हमको मिलता है। और मनुवादी मीडिया जो है वो ब्लैकआउट करने का बहुजन मूवमेंट को हमेशा काम करती आई है, और यूट्यूबर्स, बहुजन यूट्यूबर्स भी वही करेंगे तो और समाज को क्लियर मैसेज नहीं देंगे तो समाज तो ऑलरेडी कंफ्यूज है और कंफ्यूज हो जाएगा, और यही भ्रम फैलाने का काम मनुवादी मीडिया कर रही है, हम भी करेंगे तो क्या होगा? क्या मतलब है? मेरा एक स्पेशली ये कहना था कि जैसे कि जो हमारे यूट्यूबर्स मीट था उसमें सभी जो स्पीकर्स आए थे है ना, उन सभी स्पीकर्स को क्या कुछ कुछ सवाल उनसे पूछने चाहिए थे कि जैसे कि अगर हम एक बहुजन पत्रकार है, मैं तो अभी ब्लॉगिंग करता हूँ लेकिन हमारे बहुत सारे बहुजन पत्रकार वहां पर जुड़े थे, तो उन लोगों की सिक्योरिटी क्या होगी? क्योंकि वो तो अपने नेताओं की खबरें दिखाते हैं तो फिर उनकी क्या सिक्योरिटी होगी? क्योंकि सभी लोग तो एक साधन संसाधन मोस्टली हमारे जो लोग उनकी कमी है, सभी लोगों को तो वो भी है कि अगर वो लोग सवाल करते जो लोग वहां पर गेस्ट आए थे तो उनके सवालों के जवाब होते, वो वन वे शो हो गया कि सिर्फ वो लोग बोलते गए और हम लोग सुनते गए। हमारे अगर सवाल होते तो काफी सारे सवालों के जवाब भी हमको शायद उनसे मिल सकते थे। ये इसलिए भी हुआ होगा कि ये अभी अभी शुरू हुआ है। हाँ, अभी सेकंड वाला है तो थर्ड वाले इसमें कुछ अगर इम्प्रूवमेंट हो तो ज्यादा बेटर होगा, होते रहेगा। ये भी बात है, ये एक खुशी की बात थी कि सब लोग एक साथ आए, लेकिन ये एक चीज है कि हम देखते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया की तरफ की बात कर रहे हैं, वो सभी को अपना नेता मानते हैं और हम जो कैडर बेस्ड लोग हैं, हमारी जो लीडर की जो डेफिनेशन है वो अलग है। हमारे लीडर की डेफिनेशन है, हम किसी को भी हादसों से पैदा हुए लोगों को हम नेता नहीं मानते। हाँ। जो चमक धमक में रहते हैं हम उसको नेता नहीं मानते, सफेद कपड़े पहनेगा और गले में कुछ पहनेगा, चैन वैन या मोबाइल वोबाइल छोड़ेगा, ऐसे लोगों को हम नेता नहीं मानते। हम नेता उसको मानते हैं उसका जिसका कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल, दंगों से पैदा तो कई लोग हो जाते हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र में होते हैं, गुजरात में हो गया था पिछली बार वो ही। आरएसएस का जो कैडर है, आरएसएस के कैडर के भी यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा हूँ। अच्छा। और आरएसएस के कैडर के जो यूट्यूबर्स रहते हैं वो अपनी पार्टी को फोकस करते हैं, वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते समाज को, क्लियर बता रहे कि ये आपकी पार्टी है और इसको आपको वोट करना है, बस वही काम बहुजन यूट्यूबर्स का होना चाहिए था। और एक एक बड़ा सवाल समझ में आता है कि वो लोग कहते हैं कि हमारे बहुजनों की बहुत सारी पार्टी है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो 500 से ज्यादा मनुवादियों की पार्टी है, लेकिन उनको पता है कि हमारे सिर्फ दो ही मेन पार्टी है जिसको कांग्रेस और बीजेपी, तो उनके अंदर में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है यही बहुजन समाज के जब अंदर आ जाएगी तो जो ये घोल चल रहा है, जो कंफ्यूजन चल रहा है, ये क्लियर हो जाएगा, है ना? अभी हमारा समाज जो है उस दौर में नहीं है, और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम शासन प्रशासन से बहुत दूर है। हमें एजुकेशन जो मिला वो भारत के संविधान लागू होने के बाद मिला, तो और उनको मिला हजारों साल के पहले, तो उनमें मैच्योरिटी आना सीधी सी बात है, मतलब मैच्योरिटी पढ़ाई लिखाई से आएगी, एजुकेशन से आएगी, व्यवहार से आएगी, वो चीजें हमारे समाज में बहुत लेट हुई, तो हो सकता है ये भी एक हमारे समाज का ड्रॉबैक्स हो सकता है। यही चीज हमने बहुजन यूट्यूबर्स मीट में बताने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे
समस्या आई, बहुत सारे लोगों ने बीच में बातें रखा और इसलिए वहाँ कंट्रोवर्सी हो जाती थी, लेकिन वहाँ पर जो है वो जो है सुमित चौहान जी, उन्होंने बोला कि इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई कि ये मैंने ये क्यों बोला कि आप लीडर्स को लेकर आप कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उनका उनको इस बात को बढ़ाना भी चाहते थे, और फिर उन्होंने बोला कि राजनीति नहीं लानी चाहिए। कि जब हम बहुजन मीडिया कहते हैं और हम पॉलिटिक्स की अगर खबरें दिखा रहे तो फिर राजनीति नहीं होना चाहिए। यही खुद कंट्रोवर्सी है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। बहुजन यूट्यूबर्स मीट में जो बहुजन कंसेप्ट है और बहुजन कंसेप्ट हमको समाज में देना है तो सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे वहाँ आना चाहिए और उसपे डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ मैंने ऐसा सुना कि वहाँ पे राजनीति नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक बात, बाबा साहब क्या बोलते राजनीति के बारे में बताओ, आप ही बताओ, आप हमेशा अपने भाषण में बोलते हो। बाबा साहब राजनीति के बारे में यही कहते हैं कि ये हमारी एक मास्टर की है ना, पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की विच कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉ, तो सारी समस्याओं का निवारण पॉलिटिक्स में, ऐसा बाबा साहब कहते। तो फिर जब सॉल्यूशन वहाँ पर है तो उसके ऊपर में ज्यादा काम होता है। और जिस समाज का पक्ष नहीं है, जिस समाज का झंडा नहीं है, वो भी एक बात है, तो वो और फिर भी उसके बाद भी वो अपने आप को नेता बोल रहा है, तो वो तो गुमराह कर रहा है समाज को, ये भी बाबा साहब बोल रहे हैं। तो फिर ऐसे में हमारा ये हमारे बुद्धिजीवी लोगों का, हम अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया संविधान की वजह से, हमने पढ़ लिया तो हमको डिग्रियां मिल गई, तो हमारा ये काम है कि समाज को ये बताएं, और इसीलिए हम बताएं। और जब तक हम राजनीतिक चीजों पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे होगा, वहाँ जो आप देखो सवर्णों के बच्चे बोलो या फिर चाहे हम ओबीसी को भी ले लो, ये मैं ऐसे नकारात्मक चीज नहीं बोलूं, लेकिन ओबीसी समाज में भी जो युवा होते हैं वो कॉलेज के जमाने से एबीवीपी और यहाँ वहाँ छात्र संघ से जुड़े होते हैं, बहुजन समाज की बात करें और बोलेंगे चलो कैडर कैंप चल रहा है बामसेट का, चलो बीएसपी का कैडर चल रहा है, चलो ना राजनीति नहीं करना, राजनीति नहीं करना। अरे पहले सुन तो लो भैया बाबा साहब के बारे में, फुले साहब के बारे में, वो भी चीज है, वो भी एक चीज है, और इसीलिए भी ये तकलीफ हमको आती है। और अब वही चीज यूट्यूब में भी आ गई, बहुजन यूट्यूबर्स मीट में भी आ गई, बहुजन यूट्यूबर्स मीट में भी ये चीज हो रही है। तो आने वाले जो 2022 का जो यूट्यूबर्स मीट रहेगा उसमें काफी सारे चेंजेस रहेंगे, ऐसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, अगर ऐसा होगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जितने भी लोग वहां पर थे उन सभी को हम फॉलो करते हैं, और आप लोग भी हमको कोशिश करिए सपोर्ट करने की, और आपका सपोर्ट ही हमारे तमाम बहुजन यूट्यूबर्स को आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमारे ब्लॉग में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, काफी बड़ा ये ब्लॉग हो चुका है मुझे पता है, और तभी भी आप यहाँ तक के बने हुए हैं तो आप सही में धन्यवाद के पात्र हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम।